अक्सर भूत प्रेत की कहानियाँ हमें सुनने और पढ़ने में बहुत मज़ेदार लगती है। अगर वास्तव में भूत हमारे सामने आ जाए तो हमारी रूहें कांप उठती हैं और हम डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता रहता है। कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हैं, लेकिन अपने अंदर से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसे ही किले के बारे में आपको बताऊंगा जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत को छुपाए हुए हैं। भानगढ़ किला। दोस्तों, शायद ये नाम आपने कहीं सुना होगा, जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण राजा माधो सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। भानगढ़ किला, जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी। देश के कोने कोने से अनेकों राजकुमार उनके रूप से सम्मोहित होकर उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। एक बार राजकुमारी रत्नावती अपने सखियों के साथ बाजार के लिए निकली और वो वहाँ एक इत्र की दुकान पर पहुँची और इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। ठीक उसी समय उस दुकान के कुछ ही दूरी पर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से घूर रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया तो, लेकिन फिर पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। उसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उस तांत्रिक की मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और वो दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाएंगे और उम्र भर उनकी आत्मा इसी किले में भटकती रहेगी। तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद से इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया, वो कभी वापस ही नहीं आया। कई बार लोगों को इस किले में रहने वाली रूहों ने बहुत परेशान किया और कुछ लोगों को तो अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस किले के अंदर कमरों में महिलाओं के रोने और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को भी महसूस किया गया है। किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ सुनाई देती है और आज भी वो रूहें इस किले में भटक रही हैं। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ ASI यानी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय।